हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है 324 पोस्ट के ऊपर आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं और ये वैकेंसी जो है वो है आई टी अप्रेंटिस की यहाँ वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो है 324। वेरियस डिसिप्लिन में ये वैकेंसीज हैं और ये वैकेंसी सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जिन्होंने ITI कर रखी है। अगर आपने ITI कर रखी है तब आप इस वीडियो को जरूर से देखें, और अगर आप किसी नीडी पर्सन को जानते हैं जिन्होंने ITI कर रखी है तो उनके लिए ये बहुत अच्छी है। अगर आप उनसे शेयर करेंगे मेरी इस वीडियो को तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर जो 324 वैकेंसीज हैं उसमें जो फर्स्ट वैकेंसी है, और ये वैकेंसी जो है वो 2 ईयर ड्यूरेशन की जिन्होंने ITI कर रखी है उनके लिए है। 8,000 यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। ड्यूरेशन जो रहेगी ट्रेनिंग की 1 ईयर की रहेगी, और अगर आपने क्वालिफिकेशन में जो है 2 ईयर की रेगुलर ITI की होनी चाहिए। जो फिटर की यहाँ टोटल वैकेंसी है 138 वैकेंसी है फिटर की। टूल एंड डाई मेकर में 5 वैकेंसी है, टूल एंड डाई मेकर में आपकी मोल्ड वाली में डाई एंड मोल्ड है 5 वैकेंसी है। टर्नर में 20 वैकेंसी है, मैकेनिस्ट में आपकी 17 है, मैकेनिस्ट ग्राइंडर में 7 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन में 27 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 8 वैकेंसी है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में 5 वैकेंसी है, मैकेनिक मोटर व्हीकल में 6 है, रिजर्व रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में आपकी 6 वैकेंसी है, और पेंटर में आपकी जर्नल जो है वो 7 यहाँ वैकेंसीज है। इन सभी वैकेंसीज के लिए आपके पास 2 ईयर की ITI होनी चाहिए। अगर आपने 1 ईयर की ITI कर रखी है तब आपको 7700 रुपये 7700 रुपीज़ जो है स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। 8000 रुपीज़ आपको जो है स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा अगर आपने 2 ईयर की कर रखी है ITI। तब जो नेक्स्ट वैकेंसी है 1 ईयर की ITI अगर आपने कर रखी है उसमें कारपेंटर हैं 6 वैकेंसी हैं, सीट मेटल वर्कर हैं 4 वैकेंसी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA 50 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल में आपकी 10 वैकेंसी हैं, स्टेनोग्राफर इंग्लिश में यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं। इस तरह से टोटल 324 यहाँ पर आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं, और ये 12 सीरियल नंबर से लेकर 16 सीरियल नंबर तक 1 ईयर की ITI आपके पास कम से कम होनी चाहिए, रेगुलर ITI होनी चाहिए 1 ईयर की आपके पास। 7700 स्टाइपेंड आपको प्रोजेक्ट किया जाएगा। ITI आपकी जो है वो पास होनी चाहिए तभी आप इस अप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जो कैंडिडेट्स हैं उनको सबसे पहले जो है वो www.apprenticeshipindia.go.in NAPS के पोर्टल पर जो है खुद को रजिस्टर करना है। यहाँ से आपको एक आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो आपने गूगल फॉर्म में ये लिखना है। रिजर्वेशन जो है वो SC कैंडिडेट्स के लिए 10% है, ST के लिए 9%, OBC कैंडिडेट के लिए 27%, PWBD के लिए 4%, EWS कैंडिडेट के लिए जो है 10% जो है रिजर्वेशन यहाँ को आपको मिलेगी रिजर्वेशन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आपने जो है NAPS की जो वेबसाइट है इस वेबसाइट के ऊपर खुद को रजिस्टर कर लेना है। पहले रजिस्ट्रेशन नंबर आपने लेना है, उसके बाद आपने जो है वो इस गूगल लिंक पे अगर आप इसको कॉपी करके गूगल पे डालेंगे गूगल क्रोम में तो एक गूगल फॉर्म होगा उसको फिलअप करना है आपने, रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ डालना है। नहीं तो आप QR कोड स्कैन भी कर सकते हैं इसको। अगर आप स्कैन करेंगे इस QR कोड को तो ये आपको जो है बार कोड को सीधा गूगल फॉर्म पर ले जाएगा। वहाँ अपना गूगल फॉर्म जो है सबमिट करके सक्सेसफुली सबमिट कर देना है। लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 31 अगस्त। 31 अगस्त जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। 31 अगस्त 2024 तक आप जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यह है 31 अगस्त। 8 अगस्त से ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी। फॉर्म को फिल कर सकते हैं 31 अगस्त तक। जो आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 2nd या 3rd वीक सितंबर में आपको जो है वो बता दिया जाएगा। 4th वीक में जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो पब्लिश कर दी जाएगी, और ज्वाइनिंग जो है वो 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में आपकी हो जाएगी। 2nd वीक जो होगा अक्टूबर का वहाँ पर आपकी जो है वो ज्वाइनिंग हो जाएगी। किसी भी तरह की एप्लीकेशन फ़ी जो है आपने यहाँ पे नहीं करनी है, ये कम्प्लीटली फ्री है। अगर आप किसी भी ज़रूरत वाले व्यक्ति को जानते हैं या किसी को जानते हैं जिनको अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग करनी है या उनके पास किसी भी तरह की जॉब नहीं है, उन्होंने अभी अभी ITI क्लियर कर रखी है, तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। वीडियो ना से ही आप कम से कम नोटिफिकेशन उनके साथ जरूर शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।